कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजली और अबदी इल्म के ज़रिए से वो सारा कुछ जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म की वजह से हर वो चीज़ जानता है जो कुछ हमारी पैदाइश से सदियों हज़ारों सालों पहले हो चुका और कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी अल्लाह जानता है। ज़माना हाल में जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म में हैं। और फिर मुस्तकबिल में क़यामत तक, क़यामत के रोज़ भी, क़यामत के बाद भी किसके साथ जो कुछ होना है अल्लाह उसको भी जानता है। और ये सारी चीज़ें ये ऐसी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरी अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار صدق الله العظيم حمد سلام تعريف وتمهيد किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। दरूद व सलाम इमाम कायनात शफीउल मुज़लिमीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए। हज़रात दी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शरीयत मुतहरा का मुत्तबे और पैरोकार बनाया है और ये वो शरीयत है जिस शरीयत में ईमानियात भी हैं, इबादात भी हैं, मुआमलात भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक मोमिन और मुसलमान की शख्सियत कामिल होती है।
अगर हम ईमानियात की बात करें तो उमूमी तौर पर हमारे ज़हन में एक तासुर उभरता है कि ईमान क्या है, और ईमानियात की अगर बात की जाए कि ईमान किसे कहते हैं, तो उस हवाले से ईमान को समझने के लिए हमें हदीसे जिब्राइल की तरफ रुजू करना पड़ेगा। और हदीसे जिब्राइल जो सही मुस्लिम में 93 नंबर पे, 93 नंबर पे है, सही बुखारी में उसी थीम के साथ 63 नंबर पे किताबुल ईमान में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, कहते हैं बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास बैठे थे, इद जाअहु रजुलुन, एक शख्स आया, शदीदु बयाद थियाब, उसकी कैफियत ये थी कि उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, शदीदु सवाद शअर, और उसके बाल डार्क ब्लैक उसके बाल डार्क ब्लैक काले रंग के बाल थे। सैयदना उमर फ़ारूक बयान करते हैं ला युरा अलैहि अथर उस सफ़र, उस आने वाले शख्स पर सफ़र करने का कोई असर नुमाया नहीं था, वला यारिफ़ुहु मिन्ना अहदुन, और उस शख्स को हम में से कोई भी नहीं जानता था। हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आके बैठ गया, फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उसने अपने घुटने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के घुटनों के साथ जोड़ दिए, ववदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और इतना बाअदब हो के बैठा, ववदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, ये अपने हाथ अपनी रानों पे रख लिए, इतना बाअदब हो के बैठा कि जिस तरह हम नमाज में तहियात बैठते हैं इस तरह वो बैठ गया। उसने पहला सवाल किया मल ईमान, ईमान क्या है? आपने फरमाया ईमान ये है अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकति, कि आप ईमान लाएं अल्लाह ताला पर, नंबर दो व मलाइकति ही उसके फरिश्तों पर, नंबर तीन व कुतुब ही उसकी आसमानी किताबों और सहाइफ पर, व रसुली ही उसके अम्बिया और रसुल पर, और नंबर पाँच वलियोमिल आखिर आखिरत के दिन पर, और नंबर छः वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान लाएं, ख्वाह वो तकदीर आपके लिए ज़ाहरी तौर पर अच्छाई या बुराई पर मुंतज होती है। ये पहला उसने सवाल किया, जब आपने ये जवाब दिया तो वो आगे से कहता है सदक़ता, आपने सच कहा है। सहाबी कहते हैं फ़अजीबना लहू यसअलुहू व युसद्दिकुहू, हमें बड़ा अजीब व गरीब लगा कि वो शख्स सवाल भी खुद कर रहा है और साथ तस्दीक भी कर रहा है। ये पहला सवाल था, आपने ईमान के छः अज्ज़ा सुने हैं, हमारी आज की गुफ्तगू जो है वो छठे जुज़ तकदीर के हवाले से होगी।
इसके साथ और भी इस हदीस में सवाल मौजूद हैं, इस्लाम के हवाले से है, एहसान के हवाले से है, क़यामत के हवाले से है, और फिर क़यामत की अलामात की सूरत में आपने जो जवाब दिया वो भी इसी हदीस का हिस्सा है। तो आखिर में आपने अपने सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा जानते हो कि ये शख्स कौन था? सहाबा ने कहा हमें इल्म नहीं है। फरमाया हाज़ा जिब्राइल, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अताकुम, जो तुम्हारे पास आए थे, लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ताकि वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा दें। वही इलाही तो पहले भी उतरती थी, लेकिन उसका अमली मुजाहरा हज़रत जिब्राइल का इंसानी शक्ल में आकर सहाबाए किराम के साथ बैठना और सहाबा में बैठकर आपसे सवाल करना और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब हासिल करना और फिर उसकी तस्दीक करना, ये सहाबाए किराम के सामने ये पहला अमली मज़हर था जो वही इलाही की सूरत में था, जिसमें हज़रत जिब्राइल इंसानी सूरत में आए थे। अब जिस इस्तेलाह की मैंने बात की है कि तकदीर पर ईमान, अब तकदीर क्या है, मेरी कोशिश होगी क्योंकि यहाँ पे तलबा भी मौजूद हैं तो उतनी सतह की बात की जाए कि आवाम आम फहम, अवामुन्नास के लिए आम फहम हो, क्योंकि अकायद की बहस ये मदीनी मदारिस में जो अकायद की कुतुब पढ़ाई जाती हैं उसमें से मुश्किल तरीन बहस होती है, जिसमें अकायद और फिर उसमें बातिल मज़ाहिब का तस्किरा, सब का तस्किरा होता है, तावीलात होती हैं, लेकिन उसको कोशिश करेंगे कि आसान बनाकर जितना मुमकिन हो सके ताकि अवामी रसाई में वो आसान हो सके। लफ्ज़ तकदीर जो है अरबी ज़ुबान में बाब तफ़ील का क़द्दर युक़द्दिरु तकदीर बाब तफ़ील से मस्तर है, और उर्फ़ आम में हम उसका तर्जमा करते हैं जी फ़लाँ के मुकद्दर में ये चीज़ लिखी गई है, फ़लाँ की किस्मत में ये चीज़ लिखी गई है, और हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतअल्लक ये वो पेशगी तखमीना और अंदाज़ा होता है, वो अंदाज़ा जिस अंदाज़े से उस अल्लाह की हिकमत मुतकाजी थी, जो अल्लाह ने चाहा वो लिखा। अब इसमें वो तमाम तगैयुरात भी हैं जो रुए जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसमें किया गया अंदाज़ा, और ये तमाम चीज़ें पहले भी अल्लाह के इल्म में थीं, और वो तमाम बातें, वो तमाम आमाल, वो तमाम चीज़ें जो हम करते हैं वो भी हिकमत इलाही के ऐन मुताबिक वाक़िया होती हैं। तो साबित ये हुआ ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में होती है। अभी इसमें ये लिखी कब जाती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, और ये सही बुखारी की हदीस है 3332 नंबर। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा सादिकुल मस्दूक, कि हमें सादिक व मस्दूक ज़ात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हदीस बयान की। वो क्या हदीस है, इन्ना अहदकुम युजमा खल्कुहु फी बतनि उम्मिही 40 यौमन नुतफतन थुम्मा यकूनु अलक़तन ثم يكون مضغة مثل ذلك। तुम में से हर शख्स की तख्लीक जो है उसके बतन मादर में 40 रोज़ तक नुतफा की सूरत में होती है, ثم يكون علقة फिर علقة की सूरत में होती है 40 दिन, और फिर अगले 40 दिन मुज़गा की सूरत में होती है। ये वो इस्तेलाहात हैं जो इंसानी तख्लीक के साथ ग्रेजुअली रूनुमा होती हैं 40-40 दिन के साथ। अब जब बच्चे की पैदाइश 120 दिन की हो जाती है रहमे मादिर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला
फरिश्ता भेजते हैं। और फ़यक्तुबु अरबअन, वो चार चीज़ें लिखता है। फ़यक्तुबु रिज़्क़हु, उसका रिस्क लिखता है। व अजलहु, उसकी अजल और उम्र लिखता है। व अमलहु, उसका अमल लिखता है। और फिर व शकीयन औ सईदन, उसका शकी होना यानी बदबख्त होना या नेकबख्त होना दोनों में से एक लिखा जाता है। ये चार चीज़ें लिखी जाती हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया इन अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिल जन्ना, तुम में से कोई भी शख्स सारी जिंदगी अहले जन्नत वाले अमल करता है। हत्ता मा यकूनु बैनहा व बैनहू इल्ला ज़िरा, बंदे और जन्नत के दरमियान एक गज का फासला रह जाता है। फयस्बिकु अलैहिल किताब, तकदीर गालिब आती है। फयअमलु बिअमली अहलिन नार, आदमी जिसने सारी जिंदगी नेकियां की होती हैं तकदीर गालिब आती है, एक ही ऐसा बदतरीन अमल करता है उस अमल की बिना पर जहन्नम में चला जाता है। यह हदीस का एक हिस्सा है। इसके साथ ही दूसरा भी हिस्सा सुनिए। फरमाया वा इन अहदकुम लयअमलु बिअमली अहलिन नार, तुम में से कोई शख्स अहले नार वाले अमल करता है, जहन्नमियों वाले अमल करता है और सारी जिंदगी अहले जहन्नम वाले अहले नार वाले आमाल का शिकार रहता है और यही अमल उसके जारी रहते हैं। नौबत यहाँ तक आती है कि जब उसकी ज़िंदगी मुंतहा होने लगी है, फ़यस्बिकु अलैहिल किताब, तकदीर ग़ालिब आई, फ़यअमलु बिअमली अहलिल जन्ना, अब उसने आखिर में अहले जन्नत वाला अमल कर लिया, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद आ गया, अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। ये तकदीर के फैसले होते हैं। और ये आपने अभी तक दो अहादीस समात फरमाई हैं। एक आपने ईमान वाली समात फरमाई, एक आपने ये हदीस जो है वो समात फरमाई। अब जब तकदीर की हम बात करते हैं मेरे भाइयों, तो उसमें हमें चार उमूर मद्देनज़र रखने हैं, चार चीज़ें, और तब हमें ये मसला समझ आएगा कि तकदीर होती क्या है। उसमें सबसे पहली बात वो है इल्म, इल्म के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, कि हमारे ईमान में ये बात शामिल है कि जब हमने बतौर मुसलमान और मोमिन इस बात का इकरार किया है कि हमने ईमान के छः अज्ज़ा को तस्लीम किया है, और अकायद की कुतुब में जो बात मौजूद है वो ये है कि इन छः चीज़ों को करना क्या होता है, जो ईमान की छः चीज़ें आपने सुनी, और ये बातें स्कूलों में दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में दीनियात की कुतुब में पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन पढ़ाने वालों का इतना मबलग इल्म नहीं होता कि वो इस चीज़ को समझा सकें। इसको करना क्या, इसको तीन काम करने, जो ईमान के छः जुज आप अहबाब ने समात फरमाए हैं इनको करना क्या है, इसको करना ये है इकरारुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना है। व तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से इस चीज़ की तस्दीक करनी है। और तीसरा काम अल अमलु बिल जवारिह, आज़ाए जस्मानी के ज़रिए इन चीज़ों पर अमली सबूत पेश करना है, तब पता लगेगा हम वाक़ियतन मोमिन और मुसलमान हैं। अब भाइयों, चार चीज़ें तकदीर के लिए ज़रूरी हैं। पहली बात है इल्म, कि हम इस चीज़ का इकरार करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजली और अबदी इल्म के ज़रिए से वो सारा कुछ जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म की वजह से हर वो चीज़ जानता है जो कुछ हमारी पैदाइश से सदियों हज़ारों सालों पहले हो चुका,
और कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी अल्लाह जानता है। ज़माना हाल में जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म में हैं। और फिर मुस्तकबिल में क़यामत तक, क़यामत के रोज़ भी, क़यामत के बाद भी किसके साथ जो कुछ होना है अल्लाह उसको भी जानता है। और ये सारी चीज़ें ये ऐसी नहीं हैं, अल्लाह का इल्म ऐसा नहीं है, अल्लाह का इल्म ऐसा नहीं है कि उसके बारे में हम ये फैसला कर सकें या ये सबूत पेश कर सके कि अल्लाह का इल्म फलां सदी से शुरू हुआ था। ये हमारी अकल से मावरा बात है, हम अल्लाह के इल्म में ये बात कर ही नहीं सकते अल्लाह के इल्म के हवाले से। और फिर क्योंकि जब भी हम किसी शख्स का दुनिया में इल्म का अंदाज़ा लगाएंगे कि फलां शख्स फलां सदी में उसने इल्म हासिल किया था, उससे ये बात लाजिम आएगी कि इससे कबल वो शख्स आलिम नहीं था, उसके पास इल्म नहीं था। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला का इल्म फलां सदी से या फलां नबी की पैदाइश पर शुरू हुआ है, इसका मतलब है हमने अल्लाह के इल्म का इनकार कर दिया है। अल्लाह के इल्म की इब्तिदा के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते कि अल्लाह का इल्म कब से है। हमारी सोच अकल उससे भी मावरा ये बात है कि अल्लाह का इल्म जो है उसका आगाज़ कब से है। और अल्लाह का इल्म जो है वो ऐसा इल्म है कि जिसको ना सहम होता है, ना निस्यान होता है, ना वो भूलता है, ना वो मुगालता खाता है। मा काना रब्बुका नसिया, आपका रब भूलने वाला है ही नहीं है। ये इल्म के हवाले से ये अकीदा रखना, ये तकदीर की मेरे भाइयों पहली बात है। दूसरी बात, किताबत, लिखना। और आपने ये कुरान करीम में ये आयत सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। ये कुरान करीम है, ये कुरानुम मजीद है जो महफूज है लोहे महफूज में। और ये जो हमारी तकदीर है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा मुकद्दर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, ये चीज़ कहाँ पे लिखी गई है, क्या इसकी कोई किताब मौजूद है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई ऐसा इल्म है, क्या है। आप कुरान करीम की आयत सुनिए, सूरह हज की 70 नंबर आयत। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलम मा फिस समाई वल अर्ض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير। क्या आप जानते नहीं हैं, अल्लाह यालमु मा फिस्समाई वल अर्स, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जो आसमान और ज़मीन में, आसमान से ऊपर भी, ज़मीन के अंदर भी, उसके नीचे भी, और दरमियान में जो स्पेस है, खला है, और उसमें जो कुछ वाक़ियात हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब इल्म है। इन्न ज़ालिका फ़ी किताब, और ये सारी बातें किताब में लिखी हुई हैं। किस किताब में लिखी हैं, जिसे लोहे महफूज कहा जाता है। और ये जानना, ये इल्म होना, ये लिखना, ये हमारे लिए तो अक़ल से मावरा बात हो सकती है। इन्न ज़ालिका अलल्लाही यसीर, अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है।
और मेरे भाइयों आप देखिए ये तकदीर के लिखने का सबूत सही मुस्लिम की हदीस 2563 नंबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतब अल्लाहु मकादीर अल-खलाइक قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरें लिख दी, वकान अर्शहु अला अल्मा, और जब यह तकदीर लिखी गई है उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पे था, अर्श पानी पे था उस वक्त तकदीर लिखी गई। दुनिया की ओरिएंटेशन और उसका आगाज कब से हुआ ये साइंस हमेशा ही उसके बारे में तसव्वुरात, ख्यालात, मुशाहिदा, तजर्बात, ये मुख्तलिफ चीज़ें और थ्योरीज पेश करती हैं। हम किसी को भी यहाँ पे रिफ्यूट नहीं करते, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस बात का तो सबको बखूबी इल्म है कि ये कायनात पैदा हुई है और इसको पैदा करने वाली कोई ज़ात मौजूद है। जिसने इसको पैदा किया है उसकी पैदाइश से, कायनात की पैदाइश से 50,000 साल कबल अल्लाह ताला ने तकदीरें सबकी लिख दी। अब वो कैसे लिखी, सुनन अबी दाऊद की 4700 नंबर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वलमा खलकल्लाह, सबसे पहली पैदाइश जो अल्लाह ताला ने जिसको तख्लीक किया है, सबसे पहली तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो क्या थी, अल-कलम, वो लिखने वाली कलम थी अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, उक्तुब, ए कलम लिखो। कलम ने कहा, मादा अक्तुब, मैं क्या लिखूं, कौल उक्तुब मकादीर कुल्ली शई हत्ता तकूम अस्साअ, लिखो वो तमाम होने वाले वाकयात जब तक क्यामत कायम नहीं हो जाती, जितनी मखलूकात आएंगी, जितने इंसान बसेंगे, उनके रिज्क, अमल, शकी और सईद, जो आपने अहादीस में चीज़ें सुनी हैं वो तमाम क़यामत तक के वाक़यात लिखो, ये अल्लाह के हुक्म से कलम से तहरीर फरमाए गए। और ये उमूमी वो बातें हैं जो हमारे सामने उमूमी तौर पर खुतबा की तरफ से मसाजिद में मसाइल के हवाले से बयान नहीं होती, इसलिए ये बातें नहीं होती हैं और इसको समझना आम मसाइल की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने ईमानियात का तो जुज़ बता दिया, उसके ज़ैली उमूर आपने पहला समात फरमाया कि इल्म ये तकदीर का पहला अमर है, दूसरा अमर है किताबत, इल्म कि अल्लाह के इल्म में सारी चीज़ है, दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें तमाम लिखी हुई जो क़यामत तक होने वाले वाक़यात हैं, फिर उसके बाद तीसरी बात है मशीयत, चाहत। ये क्या होता है, अब ये इस्तेलाहत थोड़ी सी मुश्किल हैं, तकदीर को समझने के लिए ये चीज़ें समझना तो पड़ेंगी। हम सिंपली बात ये कहते हैं, मा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, मा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह, इंसान की चाहत क्या है, चाहत असल वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, मंशा किसकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अब ये मशीयत क्या है, हमारा ये ईमान है कि आसमानों और ज़मीन में जितने भी हवादिस व वाक़यात हो रहे हैं वो तमाम के तमाम अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी के साथ हो रहे हैं, और इसकी मशीयत के बग़ैर, उसकी चाहत के बग़ैर अक़वामे आलम में कोई वाक़या भी रूनुमा नहीं होता, एक सिंगल वाक़या भी रूनुमा नहीं होता। तो फिर आप देखिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी मंशा के बग़ैर कोई वाक़या रूनुमा नहीं होता,
तो उसकी दलील क्या है? आपने खुतबा मसनूना में आयत सुनी सूरह कसस की 68 नंबर आयत, वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, कि आपका रब जो चाहता है, जो पसंद करता है, वही पैदा कर देता है। और दूसरी आयत सूरह इब्राहिम की 27 नंबर, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहते हैं वही करते हैं। अब ये दुनिया में पैदा होने वाले हवादिस व वाक़ियात, ये सारे इसी तरह ही रूनुमा होते हैं। अल्लाह क्या क्या चाहते हैं, वो चाहत के हवाले से वो दो तीन आयात और सुन लें। अल्लाह ताला ने मुझे भी पैदा किया, आप अहबाब को भी पैदा किया, हमसे पहली नस्लों को भी पैदा किया, और आने वाली हमारे बाद की जो नस्लें होंगी उनका खालिक भी अल्लाह ही होगा इंशाअल्लाह ताला, उसके अलावा कोई खालिक नहीं है। उनकी सूरतें कैसी होंगी, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह वो ज़ात है, उसकी मशीयत है, उसकी चाहत है, युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो तुम्हारी सूरत को जैसे चाहता है बना देता है। किसी को चाहा काला बना दिया, किसी को चाहा गोरा बना दिया, किसी को चाहा गंदमी रंग का बना दिया, और किसी को चाहा उसकी तख्लीक को, उसकी शबाहत को उसके वालिद के मुशाबे कर दिया, किसी की शबाहत को चाहा उसकी वालिदा के मुशाबे कर दिया, और किसी की चाहत वो अल्लाह की है कि उसकी शबाहत उसने चाही उसके ददयाल की तरफ शबाहत हो गई, किसी की ननयाल की तरफ हो गई, किसी की किसी की तरफ भी ना हुई, किसी की दो दो तीन तीन के साथ मुशाबहत हुई। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, अल्लाह की मशीयत तकदीर का तीसरा जो अमर है वो ये है, वो अल्लाह की चाहत है, वो अल्लाह जैसे चाहता है हमारी सूरतें बनाता है, वो जैसा चाहता है हमारी रंगत बनाता है, उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और क्या चाहते हैं, कुरान करीम को सुनिए। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की 90 नंबर आयत में फरमाया है وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ। ये मुनाफिकीन, ये काफिर मदीना मुनव्वरा में आबाद थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहता लसल्लतहुम अलैकुम, उन लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता, फलकातलुकुम, वो तुम्हारे साथ किताल और लड़ाई करते, अल्लाह चाहता तो वो कर देता, उसने नहीं चाहा तो नहीं हुआ, चाहा तो हो गया। ये उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा और मशीयत है। और सूरह अनआम की 112 नंबर आयत समाअत फरमाएं, वहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ। दुनिया में कुफर भी होता है, दुनिया में शिर्क भी होता है, दुनिया में लोग कत्ल भी होते हैं, दुनिया में अच्छे से अच्छा काम भी होता है, बुरे से बदतरीन काम भी होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे मुआमलात, ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी और मंशा से रूनुमा होते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ। लेकिन उसमें इंसान का कितना इख्तियार है वो आप मुकम्मल मज़मून समाअत फरमाएंगे, ये बात फिर समझ लगेगी।
कि कायनात में होने वाले तमाम तगैयुरात, तमाम तब्दीलियाँ, तमाम हवादिस, तमाम की तमाम हरकात व सकनात ये अल्लाह की मशीयत से ही रूनुमा होती हैं, अल्लाह की चाहत से ही रूनुमा होती हैं। अल्लाह जो चाहता है वो करवा देता है, जिसको अल्लाह ताला रोकना चाहे वो मामला वो रोक लेता है। इसका दूसरा ऑप्शन हमारी गुफ्तगू के आखिर में होगा, शायद अगले जुमे उसको बयान करना पड़े, तो वो वहाँ पे बताएंगे बंदा कितना ज़िम्मेदार है, मैं और आप दुनिया के मामलात में ज़िम्मेदार कितने हैं। ये अभी तक आपने तकदीर के तीन अमर सुने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला अमर था इल्म, कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। दूसरी बात है किताबत, के हर चीज़ अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। और तीसरी बात है अल्लाह की मशीयत और चाहत। और चौथी बात वो ये है तख्लीक, पैदाइश, के इस बात पर ईमान लाना कि तमाम कायनात अपनी ज़ात और सिफात और नकल व हरकत के एतबार से अल्लाह की मखलूक है। ये हमारा हाथ हिलता है, ये अल्लाह की मखलूक है। ये हमारे टांगें चल कर किसी जगह पे पहुंचती हैं, हम भी, हमारी टांगें भी, हमारा चाल चलन भी अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह का पैदा किया गया है। वो चाहे तो हमारी टांगें चलाई रखे, वो चाहे हमारी उंगलियों को हरकत दिला दे, वो चाहे हमारा बाजू ऊपर नीचे करवा दे, वो चाहे हमारी ज़बान से गुफ्तगू हो जाए, ये सारी की सारी अल्लाह की तख्लीक है, पैदाइश अल्लाह की है। अल्लाह ने यह सारी चीज़ें पैदा की हैं। इस तमाम तख्लीक की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करना, ये तकदीर का चौथा अमर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह ज़ुमर की 62 नंबर आयत में ख़ुद फरमाया, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। हमारे जिस्म के अंदर जितने निज़ाम चल रहे हैं, हमारा तनफ्फुस का, सांस का निज़ाम है, हमारा हाजमे का निज़ाम है, हमारा इनहेल का निज़ाम है और एक्सहेल का निज़ाम है, ये सारी चीज़ें, सारा निज़ाम किसी का हमें इल्म है। हमारी सैकड़ों क्या हज़ारों वेन्स अंदर ऐसी हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं है कि जिस्म में काम उनका क्या है, लेकिन उनका फंक्शन हमारे जिस्म में मौजूद, उसको पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जब हमारी तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की, तो हमारे जिस्म में जितना भी निज़ाम, जितना भी खून का निज़ाम, जितना भी वेन्स, जितने भी निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो सारी तख्लीक शुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। तो इसलिए इकरार करना पड़ेगा अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ का खालिक है। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 2, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ्त को बयान किया, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا बरकत है वो ज़ात जिसने इस फुरक़ान हमीद को, कुरान करीम को अपने बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। इसका मकसद ये था, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि लोगों को डराया जाए। और किसने नाजिल किया? वो ज़ात अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़,
तमाम आसमानों की बादशाहत भी उसी अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, और वो ज़ात वो है खौलक कुल्ल शई, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, वक़द्दरहु तकदीरा, और उसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाया, उस अल्लाह का अंदाज़ा कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज़ के खालिक हैं, हमारे आमाल के, हमारे अफ़ाल के, जब हमारी पूरी वजूद के अल्लाह ताला खालिक हैं, तो इससे सरजद होने वाले जो वाक़यात हैं उसके खालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं। और इसकी मज़ीद वजाहत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई कि जब कौम के साथ उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात, उस अल्लाह की कुदरत, उस हवाले से बात की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तलिफ तख्लीकी सिफात के हवाले से भी बात हुई, और उसमें सूरह साफ़ात की 95-96 नंबर आयत, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात की। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ तुम उन्हीं चीज़ों की इबादत करते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से पहले खुद तराशते हो, हालांकि तुम्हें तो उस ज़ात की इबादत करनी चाहिए, उस रब को अपना खालिक और मालिक समझना चाहिए। खलक़कुम, जिसने तुम्हें भी पैदा किया, वमा तअमलून, और तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे आमाल का खालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो जब हर लिहाज से तुम्हारा खालिक और मालिक वो रब्बुल आलमीन है, तो तुम राह फरार इख्तियार करके उस अल्लाह की इबादत ना करके तुम किसको धोखा देना चाहते हो। तो भाइयों, बात को समझिए कि जो बात हमने अभी तक की है, इसमें बंदे के ज़ाहरी इख्तियारी अफ़ाल, सवाल ये है कि क्या उसके भी कोई अफ़ाल हैं। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारे से सरजद होने वाले वाक़यात को और आमाल को भी अल्लाह ने पैदा किया, तो क्या बंदा खुद कुछ करने के काबिल नहीं है? क्या बंदे के सर पर जो वो बुरे अमल करता है इसका वज़न उसके ऊपर पड़ेगा? और फिर क्या बंदे को नेकी और बदी इख्तियार करने का, क्या उसको तसर्रुफ करने का इख्तियार नहीं दिया गया? आया हम तमाम नेकियां करते जाएं, क्या ये भी अल्लाह की मंशा है? और अगर कोई शख्स हर किस्म की बुराई करता जाए, क्या ये भी अल्लाह की मंशा है? और भाइयों, ये वो तमाम बातें हैं जिसकी गुफ्तगू हम आगे गुफ्तगू में इंशाल्लाह जारी रखेंगे। उसके लिए सूरह दाहर की एक आयत आप समाअत फरमाएं, इन्ना हदैनाहु समील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने इंसान की रहनुमाई कर दी, उसको रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिरन, आया वो शुक्रगुजारी वाला रास्ता इख्तियार करता है, वह इम्मा कफूरा, या वो नाशुक्री वाला रास्ता इख्तियार करता है। इन सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम अगले जुमे में देंगे, और तमाम अफ़ाल और आमाल के हवाले से जो सवालिया अंदाज में अभी आपके सामने रखे हैं, इसका इंशाल्लाह मुकम्मल खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। तो जितनी बातें हमने सुनी हैं, जितनी बातें बयान की हैं, मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, हमारे अकीदे का हिस्सा होना चाहिए कि तमाम के तमाम कायनात का इल्म वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। दूसरी बात यह है कि जब हम अल्लाह के इल्म के कायल हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज़ का आलिम मानते हैं, तो साथ उसके ये भी मानना होगा कि
कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को लिख कर महफूज किया हुआ है। तीसरी बात, दुनिया में जितने भी हवादिस व वाकयात होते हैं ये अल्लाह की मशीयत से होते हैं। और चौथी बात, अल्लाह ताला जहाँ पे हमारा खालिक है अल्लाह ताला हमारे आमाल का भी खालिक है। इस गुफ्तगू को अच्छी तरह समझने के लिए मैं अपने साथियों से मुल्तमिस होऊंगा कि अगले जुमे वक्त पर तशरीफ़ लाएं ताकि जुमे का मुकम्मल सवाब भी हासिल करें और इस हसास मौजू को अपने दिलों में जगह भी दें, इसको समझें भी। अल्लाह करीम हमारे अकायद को पुख्ता फरमाए और रब्बुल आलमीन हमारा ईमान मजबूत फरमाए और खातिमा बिल ईमान फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।